हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसी के जो हम बैक वाले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ना, उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके पहले की क्वेश्चंस हमने अदर वीडियोज़ में डिस्कस कर ली थी, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कम्प्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका आधा पार्ट हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, तो हमको दिखाना है कि ये जो इमेज बनेगी वो पूरी इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, क्या होगा, और हमको एक्सपेरिमेंटली इसका आंसर देना है, और डायग्राम वगैरह भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, इवन इफ़ वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल कवर्ड विद अ ब्लैंक पेपर, इट वुड स्टिल प्रोड्यूस द कम्प्लीट इमेज, बट द इमेज विल बी अ बिट फैंटर। तो इसमें दिया है कि अगर हम क्या करेंगे, आधा पार्ट इसका कवर कर देंगे ब्लैक पेपर से, तभी हमें जो इमेज है ना वो पूरी ही दिखाई देगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी फैंटर हो जाएगी, मतलब थोड़ा हमको उसमें ब्लर दिखेगा, एकदम क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। इसका एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, कैंडल ले लेंगे और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, ठीक है ना। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ दी ऑफ लेंस अंटिल अ शार्प इमेज ऑफ कैंडल इज ऑब्जर्व्ड। हम क्या करेंगे, लेंस को, लेंस की जो पोजिशन है ना, उसको एडजस्ट करेंगे जब तक कि हमको इमेज नहीं दिखेगी कैंडल की। वी विल ऑब्जर्व दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड शार्प। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो इमेज होगी कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, शार्प होगी। नोट डाउन द पोजिशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और अब इसमें पोजिशन को भी हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नाउ कवर द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या करेंगे, हम जो लेंस है ना उसका आधा पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे एंड प्लेस्ड द कॉन्वेक्स लेंस एट द सेम पोजिशन, और हम कॉन्वेक्स लेंस को उसी पोजिशन पर रख देंगे जैसा हमने पहले सेट करा था। वी विल ऑब्जर्व दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड विल बी कम्प्लीट, बट द इमेज ऑब्जर्व्ड नाउ विल बी फैंटर। अब जो इमेज बनेगी ना वो क्या होगी, थोड़ी धुंधली बनेगी। यहाँ पर हमने ये डायग्राम भी बनाया कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दी, ये डायग्राम बना, तो हमारी इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, लेकिन वो थोड़ी सी कैसी होगी, वो फैंटर होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कन्वर्ज मीन्स एक पॉइंट पर सभी रेज को इकट्ठा करना, तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजिशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अभी यहाँ पर हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, इसने बोला है ना इधर ये कि जो ऑब्जेक्ट है ना 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, मतलब हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, और 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है लेंस से, मतलब यू हमको गिवन है -25, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट उनको हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं, इसी वजह से हमारा यू माइनस में आया है। अब ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, इसी वजह से हमारी जो फोकल लेंथ है वो +10 आई है, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको क्या बताना है, पोजिशन बताना है, इमेज का वी बताना है। वी कैसे पता लगेगा, हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u। अब ये यहाँ पर मिरर फॉर्मूला होता तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता, बट ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है। जिस जिसकी वैल्यूज हमको गिवन थी सब वैल्यूज पुट करेंगे, f की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू रख देंगे, ऑलरेडी फॉर्मूला माइनस था, हमारा u भी माइनस का था, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमने देखा कि 1/v इक्वल होता है ये, ठीक है, हमने जो यू की वैल्यू थी ना उसको दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया, इससे क्या हुआ ना, जो प्लस सिंबल था ना वापस माइनस में हो गया। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो हमारा जो 1/v का वैल्यू है ना वो 3/50 आएगा यहाँ पर, है ना। अब हमको चाहिए वी, तो इसको उल्टा करके डिवाइड करेंगे 50 में, तो आएगा 16.66 सेंटीमीटर। एम कितना होता है हमारा, एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पर वी अपॉन यू भी होता है, यहाँ पर प्लस आता है क्योंकि ये लेंस है, अगर ये क्या होता मिरर होता तो माइनस वी अपॉन यू आता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच आई की वैल्यू चाहिए, एच ओ को इधर शिफ्ट करा, सबकी वैल्यूज पुट करी, सोल्व करा, 10/3 आया, तो एच आई हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा -3.33। यहाँ पर माइनस लगाएंगे हम, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास माइनस में आई है, तो ये क्या है डिमिनिश्ड है क्योंकि हमारा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना वो ज़्यादा है इससे, तो इसका नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ये यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया हमने। अब डायग्राम कैसे बनाया कि इसने क्या बोला था कि जो इमेज है ना वो कहाँ पर रखी हुई है, यू की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, कितनी थी देखते एक बार, 25 थी, ठीक है। तो जो 2f है ना इसके बाद होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पर की डिस्टेंस 10, ये भी 10, तो 20 तो यही हो गया, तो थोड़ा आगे होगा ना, मतलब 2f के बाद हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब 2f के बाद ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।